सो इन द लास्ट वीडियो यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉड इट कंडक्ट सेंसरी एंड वोट और इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन ब्रेन से स्पाइनल कॉड तक मतलब सेंस ऑर्गन तक सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और मसल से ब्रेन से मसल्स तक टू एंड फ्रो मैसेजेस जो है ये कंडक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड इट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो सेंटर फॉर रिफ्लैक्स सेक्शंस रिफ्लैक्स सेक्शंस को भी कंट्रोल करती है नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम तो उसमें दो तरीके की नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलेंगी एंड दैट विल बी ट्वेल्व पेयर इन द केस ऑफ पीजन पीजन में ये बारह पेयर होती हैं क्रेनियल जो कि क्रेनियल कैविटी से सॉरी uh, क्रेनियम से निकलेंगी दैट इज द ब्रेन ब्रेन से निकलेंगी एंड दिज आर ट्वेल्व पेयर द फर्स्ट टेन पेयर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्रॉग एंड यू कैन डिटरमाइन बाय द फॉर्मूला ऊपटा फैगव इफ यू रिमेंबर उपटा फैगा एंड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर आर असेसरी हाइपोग्लॉसिल एलेवंथ विल भी हाइपोग्लॉसिल एंड देन विल भी असेसरी स्पाइनल तो ये इलेवेंथ और ट्वेल्थ पेयर है रेस्ट द फंक्शंस आर सेम जो हम पिछले ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस uh, कर चुके हैं देन आर द स्पाइनल लर्व जो कि निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से दीज विल भी सेगमेंटल हर एक सेगमेंट के अंदर बॉडी के सेगमेंट के अंदर निकलेंगी ये एंड देर विल बी टू प्लेक्सेज दो प्लेक्सेज होंगे जैसे कि हमने पहले भी बात की थी दूसरी टाइप स्टडीज़ में वन विल बी सर्वे को ब्रैकअल प्लेक्सेज जो कि नेक और फोर लेम्स वाले रीजन में होगा प्लेक्सेज बनाएंगी uh, जो स्पाइनल नर्व है यानी कि आपस में एक नेटवर्क बनाएंगी ये स्पाइनल कोड है यहाँ से ये निकली स्पाइनल नर्व अब हर एक स्पाइनल नर्व में तीन ब्रांचेज होंगी जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं वेंट्रल रूट डॉर्सल रूट एंड रैमस कम्युनिकेंस रैमस कम्युनिकेंस जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगी तो सपोज सर्विकल और ब्रैकियल रीजन से नेक और फोरलिम वाले रीजन से ये निकली हैं स्पाइनल नर्व और ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेक्सेज बनाएंगी इफ यू रिमेंबर और इन प्लेक्सेज में से फर्दर नर्व निकलेंगी जो कि सराउंडिंग ऑर्गन जो आसपास के ऑर्गन उनको सप्लाई करेंगी तो ये जो नेटवर्क बनता है इसको बोलते हैं प्लेक्सेज तो दो प्लेक्सेज होंगे एक होगा सर्विको ब्रैकियल प्लेक्स जो कि नेक और फॉरलिम्स वाले रीजन में होगा जो कि सर्विकल और थेरेसिक रीजन को सप्लाई करेगा दूसरा होगा लंबो सेक्रल प्लेक्सिस एंड दैट फ्लेक्सेस विल बी एट द रीजन ऑफ द हाइड लिम्स जहाँ पर हैंड लिम्स वाली स्पाइनल कॉड है हाइडलिम्स के रीजन में वहाँ पर भी प्लेक्सेस बनेगा एंड दैट कैन भी डिवाइडेड इंटू थ्री पोर्शन लम्बर प्लेक्सेस सेक्रल प्लेक्सेस एंड पुडेंडल ठीक है एज यू कैन सी हेयर लम्बर प्लेक्स विच विल सप्लाई द थाई रीजन सेक्रल प्लेक्सेस जो कि रेस्ट ऑफ द लेग थाई के अलावा जो बाकी लेग उसे सप्लाई करेगा और डेंडल जो कि क्लोइकल रीजन और टेल को सप्लाई करेगा सो दैट वॉज ऑल अबाउट द स्पाइनल नर्व द रेस्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर वटीब्रेड जो हम स्टडी कर चुके हैं नाउ द नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कंप्राइजेस ऑफ टू पोर्शन सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम एंड पैर नर्वस सिस्टम एंड दीज टू आर एंटागनास्टिक इन फंक्शन एंड एक्शन यू नो नाउ सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इट विल भी हैविंग टू सिंपथेटिक कोड्स दैट विल रन पैरल एंड ऑन बोथ साइड ऑफ दी स्पाइनल कॉड जो स्पाइनल कोड है उसके दोनों तरफ रन करेगा सपोज ये स्पाइनल कोड है ठीक है इससे स्पाइनल नर्वस निकल रही हैं अब इसका एक एक वेंट्रल रूट है एक एक डोरसल रूट है एक वेंट्रल रूट है और एक रैमस कम्यूनिकेंस है तो यहाँ पर क्या है सिंपथेटिक ट्रंक्स रन करते हैं दोनों तरफ स्पाइनल कोड के दोनों तरफ और जो रेमस कम्युनिकेंस है वो जाके ज्वाइन करेगी यहाँ पर जो सिंपथेटिक गेंग्लिया है उसके साथ ज्वाइन करेगी और जो सिम इससे निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो अब इसके प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं दीज आर शॉर्टर और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होंगे किसके ये सिंपथेटिक ट्रंक के दैट विल सप्लाई टू दी ऑर्गन्स एंड दीज विल बी इलॉन्गेटेड ये ज़्यादा लंबे होंगे और ये जो है फर्दर ऑर्गन्स को रिस्पेक्टिव रीजन में ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे एंड देन नेक्स्ट इज जी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है दैट मोस्टली लाइज इन द वॉल्स ऑफ द ऑर्गन जो विसरल ऑर्गन है उनकी वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये गेंग्लियन जो पैरासिम्पेथेटिक गेंगलियनस होंगे तो जो पोस्ट सिम गेंग्लियनिक नव फाइबर्स होंगे वो शॉर्टर होंगे क्योंकि उन्हीं ऑर्गन्स को सप्लाई करना है और उन्हीं की वॉल के अंदर गेंग्लियस प्रेजेंट है लेकिन जो प्री गेंग्लियनिक नर्व फाइबर्स है वो इलॉन्गेटेड होंगे क्योंकि उनको सप्लाई करना है उनको कम्युनिकेट uh, करना है किसके साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ सो दैट इज ऑल अबाउट दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दिस कम्प्लीट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ पिजन